जी मेरा लाहौर से कराची ट्रेन के ज़रिए एक यादगार सफ़र है। इसमें मैंने बहुत ही इंजॉय किया। पाकिस्तान के जितने भी मशहूर रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर हमने स्टे किया, और एक लंबा ये सफ़र था, तकरीबन 18 घंटे का ये सफ़र था जो मैंने ट्रेन के ज़रिए लाहौर से कराची तक तय किया। आप देख रहे हैं बाहर कि कितना ही प्यारा समा है, रेगिस्तानी इलाके नज़र आ रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा है। तो इतने लंबे सफ़र में इंसान कितना एंटरटेनमेंट करता है। ये पाकिस्तान की ट्रेन है जिसमें मैं ये सफ़र कर रहा हूँ। आप बाहर से आपको रेगिस्तानी इलाके नज़र आ रहे हैं और बड़ी ठंडी हवा चल रही है। तो मेरा ये एक यादगार सफ़र है ट्रेन के ज़रिए लाहौर से कराची। और इस सफ़र के दौरान मैंने मुख्तलिफ़ स्टेशन की तमाम सूरत हाल को देखा, लेकिन जो मैंने इसमें जज किया कि पाकिस्तान के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उसमें सबसे खूबसूरत जो रेलवे स्टेशन जो मुझे लगा है वो है लाहौर का। लाहौर का रेलवे स्टेशन था वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा जितने भी मैंने रेलवे स्टेशन देखे। तो पाकिस्तान सारे कंप्लीट खूबसूरत है। हम अपने पाकिस्तान को विज़िट नहीं करते, हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, लेकिन जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को भी विज़िट करें। विज़िट करने से इंसान का दिमाग फ्रेश होता है, इंसान तरोताज़ा रहता है। तो इसलिए साल में एक या दो मरतबा लंबा टूर कर लेना चाहिए। तो मेरा ये मामूल है कि मैं साल में कम अज़ कम दो या तीन लॉन्ग टूर करता हूँ। तो उससे क्या होता है, इंसान ज़हनी तौर पर फ्रेश रहता है। तो और इसके साथ साथ अपने पाकिस्तान का भी पता चलता है, अपने पाकिस्तान का कल्चर, अपने पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता चलता है। अभी देख लीजिएगा, मैं फिर इसके बाद आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कोई लंबा सफ़र करें तो सफ़र के दौरान अल्लाह ताला का जिक्र भी करते रहा करें। सफ़र का आगाज़ दुआ पढ़ के कर लिया करें, सफ़र की दुआ पढ़ लिया करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको तमाम आफात व बलियात से दूर रखेगा। इस वक्त मैं कराची के बिल्कुल करीब पहुँचने वाला हूँ। जब मैं ये अगला दिन था मेरा ट्रेन में जब मैं सफ़र किया मैंने, तो पहली रात तो सारी रात ट्रेन में गुजरी। पहला दिन तो ये अगला दिन था, तो सुबह हो रही थी, तो तब का ये सफ़र आप देख रहे हैं। तो इसमें मैंने बड़ा ही मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ मैं ये सफ़र में। और इस वक्त मैं समुद्र में पहुंच चुका हूं। आप देखें कितना प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और समुद्र की लहरें बाहर आ रही हैं, लोग इसमें नहा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी कराची का लाजमन विज़िट कीजिएगा। पढ़ाई
इस वक्त मैं कराची समुंदर में पहुंच चुका था। आप देख रहे हैं कि कितना ही प्यारा ये मौसम लग रहा है, कितना प्यारा इन्वायरमेंट है ये कराची समुंदर का। लोग समुंदर के अंदर नहा रहे हैं और आप देख रहे हैं कितनी वो लहरें जो हैं समुंदर की वो बाहर आ रही हैं। मैंने भी थोड़ा सा इसमें काफ़ी इंटरटेनमेंट किया था। आप देख रहे हैं कि समुंदर की वो जब लहरें देखता है बंदा एक मुझ पर डर जाता है काफ़ी। देखो अल्लाह ताला की कुदरत देखता है बंदा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला के आगे झुकने का और ज़्यादा ज़िन बनता है।